वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी इन्फिनिक्स का फ़ोन है और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, फुली रीसेट, सब कुछ उड़ाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप इन्फिनिक्स के फ़ोन को फुल रीसेट, फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, रीसेट करने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है कि आपको अपने जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, मोबाइल नंबर और जो भी आपके जीमेल अकाउंट्स हैं वो अपने फ़ोन में पहले ही खोल लें, वरना अगर आप लोग बाद में अपने जीमेल्स वगैरह ओपन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना बैकअप ले लेना है, उसके बाद ही ये प्रोसेस करना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा सिस्टम, देख पा रहे हैं, आपको सिंपल से सिस्टम के ऊपर क्लिक कर देना सबसे लास्ट में। जैसे ही आप लोग सिस्टम पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पे लिखा रीसेट ऑप्शंस, देख पा रहे हैं, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप दोस्तों आपके सामने कुछ चार ऑप्शन आएंगे। अब इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, नीचे सबसे नीचे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, देख पा रहे हैं सभी लोग, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारी जीमेल्स आ जाएंगी और बोला जाएगा कि ये सारी डिलीट होने वाली है, ठीक है। तो आपको इनका बैकअप कर लेना है। तो अभी दोस्तों क्या करना है, हम क्या करेंगे, इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना होगा, तो हम मोबाइल का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर ये दोबारा से वार्निंग देगा कि हमारा सारा डाटा उड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा बैकअप कर लिया, हम फिर से इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे, अब हमारा फ़ोन जो है रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको अब हमें बिल्कुल तो ऐसे छोड़ देना है, 10-5 मिनट अपने आप ही बंद होकर दोबारा से ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। अब मेरा फ़ोन दोबारा से ओपन हो चुका है। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग अपनी इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट है, नेक्स्ट कर देंगे। हेलो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वाईफाई के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक कर देंगे, स्किप के ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, सब कुछ ईजिली बता रहा हूँ, आप लोग करते चले जाना। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ये स्टार्ट करने के लिए बोला, स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, बैक करोगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे। जहाँ पे स्किप बटन दिखता है आप स्किप करेंगे, अदरवाइज आप लोग अलाउ करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्किप भी आया, यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और ये जीमेल अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन हम इसको स्किप कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो रेडी हो चुका है, ये कह रहा है प्रेस एक्सओएस लॉन्चर सेटिंग योर डेस्कटॉप। तो अब क्या है, हमारे ऐप वगैरह सेटिंग हो रही है। उसके बाद जो हमारा मोबाइल है वो पूरी तरह से अब रेडी है, अब हम इसको दोबारा से चला सकते हैं। ये इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है फ़ोन, ये देखो भाई हमारे ऐप सारे आ चुके हैं, सारा कुछ रीसेट हो चुका है। तो आई होप इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं कि न्यू वीडियो में।